तो व्हाट्सअप एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में शुरुआत है। फिलहाल देखो मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बैक टू बैक मेरा काम चल रहा है। अभी वैलेंटाइंस डे वीक चलेगा ना, तो इसीलिए काम का प्रेशर बहुत है। तो इसीलिए मैं इंस्टा पे यूट्यूब पे भी डाल दिया, मैं अभी मतलब 2-3 दिन 4 दिन गैप दे दे के वीडियो करूंगा। 14 तारीख के बाद मैं फिर से कंटिन्यू कर जाऊंगा क्योंकि अभी मेरा बहुत काम का लोड है, तो यही सब काम के चक्कर में हो नहीं पा रहा। देखो अभी मैं सवेरे 6 बजे निकला, अभी कितना बज रहा है रुको मैं दिखा देता। देखो मैं सवेरे 6 बजे निकला, अभी कितना बज रहा है देखो, आपको शायद दिखेगा नहीं। देखो अभी कितना टाइम हो रहा है। तो यही सब काम करते करते फिलहाल मेरा बहुत दूर का एक तो ऑर्डर मिल गया है, मुझे अच्छा खासा पैसा भी दे रहा है, तो मैं ऑर्डर लेने के लिए जा रहा हूँ। एक रास्ता में हूँ, शॉप में पहुंच जाऊंगा, शॉप से लेके फिर मुझे बर्धमान जाना पड़ेगा, बहुत दूर जाना पड़ेगा ऑर्डर लेके। ट्रेन से जाऊंगा, ट्रेन से आऊंगा, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है नहीं लगता। अच्छा खासा पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है मैं वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग देखते रहो मैं कैसे करके डिलीवरी करता हूँ नहीं करता। तो मुझे मिला है ऑर्डर, मैं लेके जा रहा हूँ, मैं दूर दूर ऑर्डर लेके चला जाता हूँ क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ काम नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना ही देता हूँ, दूर का ऑर्डर है तो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ दूर का कितना पैसा मिलता है, मैं कैसे जाता हूँ डिलीवरी करने के लिए नहीं करने के लिए, तो यही दिखा दूंगा आप लोगों को। चलो फिलहाल मैं ऑर्डर कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो ये वाला लेके जाना है मुझे, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ यार। बहुत मेहनत से बनाया है ये भैया ने बनाया है बहुत मेहनत से, तो चलो इसको लेके जाते हैं। तो चलो मैं फिलहाल तो ऑर्डर ले लिया, ये देखो आप लोगों को दिखा भी दिया क्या माल था नहीं माल था। देखते हैं कितना जल्दी हावड़ा स्टेशन पहुंचेंगे, कौन सा ट्रेन लेंगे नहीं लेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहो, लोकल से मेरे को जाने का मन नहीं है, लोकल 2-2.5 घंटा लगा देता, मैं एक्सप्रेस से जाऊंगा, देखूंगा कौन सा एक्सप्रेस से जाता हूं नहीं जाता हूं। चलो आगे देखते रहो वीडियो। देखो फिलहाल तो हावड़ा स्टेशन में पहुंच लाइन में लगा हूं वो टिकट लेने के लिए। देखो बर्धमान जाने के लिए मैं जो बता रहा था, बर्धमान जाने के लिए अभी कोई फर्स्ट ट्रेन नहीं है, वो है 3:30 बजे ला टाउन इंटरसिटी है वो, तो वो 3:30 बजे करीबन है, तो अभी बज रहा है 2। तो मैं सोच रहा हूँ क्या लोकल ट्रेन का टिकट ले लूँ, लोकल ट्रेन का टिकट मैं ले लिया फिलहाल। देखो ये 25 रुपये पड़ा है मेरा लोकल ट्रेन का टिकट, तो यहाँ से 2 घंटा करीबन लगेगा, मैं उससे पहले मैं पहुँच जाऊँगा। मैं कोशिश करूंगा रिटर्न के टाइम में एक्सप्रेस ट्रेन में आने के लिए। तो चलो चलते 2:20 में सारे गैलोफिन है वो पकड़ के चले जाते हैं फिर बर्धमान। आप लोगों को नजारा दिखाते हैं कलकत्ता का लोकल ट्रेन कैसा सफर होता है नहीं होता। चलो ये देखो 2:20 पे 2 नंबर पे दिया हुआ बर्धमान लोकल भाया मेन, ये शायद गैलोफिन लोकल है। चलो देखते हैं, इतना भीड़ है भाई। हाँ भाया मेन, हाँ इसी में चलते हैं। चलो पीछे में तो और ज्यादा भीड़ था, फिलहाल देखो मैं पानी का बोतल ले लिया एक तो रेल नीर का, वो तो चले जाएंगे। चलो देखते हैं क्या होता है, ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए, देखते हैं। चलो ये देखो हर हर कमरा में पूरा एकदम खचाखच भीड़ है, देखते हैं सीट तो मिलने से रहा, सीट नहीं मिलने वाला है इस टाइम में। चलो देखते हैं आगे आगे, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो फिलहाल तो मैं सीट में बैठ गया, एकदम सामने में ही बैठा हूँ, आगे में देखा गया तो सीट नहीं था। चाचा देख रहा है एकदम ध्यान से देख रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो आगे चलते हैं। देखो 2:20 में था, 2:20 में पक्का एकदम छोड़ा है ट्रेन, तो ये वाला शायद गैलोफिन है, ये लिलुआ बेलू बाली नहीं रुकेगा, लिलुआ बेलू नहीं रुकेगा, उसके बाद सीधा बाली रुकेगा एकदम। स्टॉपेज बाय स्टॉपेज मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सा स्टॉपेज में रुकता है नहीं रुकता है। ये देखो फर्स्ट स्टॉप लिलुआ आ गया, लेकिन यहाँ पे स्टॉप नहीं था, ये गैलोफिन था, यहाँ पे स्टॉप शायद दे दिया है मेरे को लग रहा है। तो पता नहीं आगे क्या होगा, कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा यार, ये तो फंस गया मैं पूरा। मैं सोचा गैलोफिन है स्टॉप कम देगा, ये तो हर स्टेशन में स्टॉप दे रहा है। देखो इसके बाद बेलूर स्टॉप नहीं दिया, बाली स्टॉप दिया, वो वाला हो गया कॉर्ड लाइन, वही वाला लाइन से जाता है राजधानी वंदे भारत शताब्दी जितना भी प्रीमियम टाइप का ट्रेन है सब वो लाइन में जाता है। ये हो गया मेन लाइन, यहाँ पे बहुत कम ट्रेन जाता है ऐसा भी नहीं है जाता है, लेकिन बहुत कम ट्रेन, मेल गाड़ी सब जाता है, मेल एक्सप्रेस जो चीज है वो जाता है, लेकिन वो वाला में सब प्रीमियम ट्रेन जाता है। फिलहाल तो बाली स्टॉप दिया है, देखो फिलहाल तो बाली स्टॉप दिया है, फिर इसके बाद देखते कौन सा स्टॉप देता है नहीं देता है। ये हो गया दिलखुश, ये मेरा मम्मी को बहुत पसंद है इसलिए मैं ले रहा हूँ। 20 रुपया दाम है ना, 20 रुपया दाम है ना, 20 रुपया दाम है, दिलखुश बोलता है इसको। ये देख लो, ये ऐसा है, देख लो, मेरा मम्मी को बहुत पसंद है ये वाला चीज इसलिए ले रहा हूँ, गर्म भी है एकदम। चलो बैंडेल स्टेशन में देखो ऑलमोस्ट खाली हो गया है, बैंडेल स्टेशन में मैक्सिमम आदमी उतर जा रहा है, अभी पता नहीं आगे भीड़ होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट खाली हो गया है। जब हावड़ा से चढ़ा था ना बहुत भीड़ था यार, देखो छपरी ऑन द फ्लोर, सब छपरी गिरी कर रहा है वहाँ पे, देखो वो हाँ। ये 10 रुपए का मैं छोला ले रहा हूँ, बहुत जोर भूख लगा यार, कुछ खाने का नहीं मिल रहा है मेरे को, है बहुत कुछ चीज लेकिन ये सब मेरे को मन नहीं कर रहा है। ये बॉयल्ड चना है देखो कैसे दे रहा है मिक्स करके। तो फिलहाल देखो आधा रास्ता तो आ गया, चना लिया हूँ जो दिखाया चना,
चना लिया, चना का तो 10 रुपये लिया है, बॉइल्ड चना, अदरक और ये चटनी उटनी देखे मिक्स करके दिया है, अच्छा लग रहा है खाने में। खाने का कुछ तो अच्छा नहीं मिल रहा है, मुड़ी भी नहीं मिल रहा है, मुड़ी आएगा तो मुड़ी भी ले लूँगा, भूख लगा है बहुत जोर, कुछ खाया भी नहीं हूँ। कितना सवेरे 7 बजे ना 6:30-7 बजे निकला हूँ, वो पहले वो सब दे दिया, उसके बाद ये वाला आ गया ऑर्डर मेरे पास, मैं ये वाला लेके निकल गया। शाम का काम नहीं था, मैं सोचा वीडियो भी बन जाएगा एक, तो आप लोगों को दिखा भी दूंगा। चलो इसको खाते हैं, फिर देखते हैं मूड़ी उठता है कि नहीं उठता है। मैं बादाम के साथ चाय ले लिया, नींबू वाला, 10 रुपया चाय का है, 5 रुपया का बादाम है। मूड़ी तो नहीं आ रहा है, घटी गरम ले लिया, इसको घटी गरम बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बंगाली में, देखो यहाँ पे बोलता है बंगाली में गोटी गोरो, मतलब वो मटका के अंदर वो जो सेव है सेव को गर्म करके देता है, उसको बोलता है घोटी गरम, 15 रुपये का लिया है ये। चलो यही खा के गुजारा करते हैं, फिर देखते हैं जब रिटर्न आएंगे तब। ये ऐसा होता है, देखो हाँ एक ना एक जन आज ये देखो, ये मैं दिखाता हूँ, रुको ये देखो ऐसा होता है घोटी गरम। चलो इसको खाते हैं। देखो ये वाला हो गया शक्तिगढ़ स्टेशन, शक्तिगढ़ में फेमस है लैंगचा। लैंगचा में आप लोगों को बैक कैमरा से समझा देता हूँ लैंगचा क्या चीज है। देखो लैंगचा बेसिकली होता है वो छेना का, मतलब लंबा लंबा शेप में करके देता है, उस टाइप का होता है, काला काला, मतलब फ्राई करके देता है। अभी यहाँ पे कैसा चीज देता है इतना मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैं 2-3 बार लेके गया हूँ यहाँ से, अच्छा है। कोई कोई मैदा यूज करता है, कोई कोई एकदम प्योर छेना यूज करता है, तो वो आपको देख के लेना पड़ेगा कौन सा चीज छेना का है कौन सा चीज मैदा का है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा बड़ा लैंगचा मतलब मिलता है, इतना बड़ा बड़ा 6 इंची का 8 इंची का लैंगचा मिलता है। मैं अगर फोटो होगा तो फोटो में डाल दूंगा, वीडियो में देख लेना कैसा है चीज, बहुत टेस्टी होता है खाने में। मेरा डेस्टिनेशन स्टेशन है बर्धमान, वहां से उतर के ज्यादा नहीं 3-4 किलोमीटर अंदर में है, उसको मैं दे दूंगा, देके फिर मैं रिटर्न कर जाऊंगा। फाइनली देखो मैं बर्धमान स्टेशन आ गया, 2 मिनट लेट है, ठीक है चलेगा यार, 2 मिनट 10 लेट है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद मैं अपना डेस्टिनेशन में जाता हूँ, बाहर निकल के बात करता हूँ आप लोगों से। चलो अपना ट्रेन तो छोड़ दिया मैं, अभी चलते हैं बाहर। कहाँ जाना है बोला, गुलाबाद मोड़ ना क्या, कौन सा मोड़ है वहीं पे जाना है, जिसका मैं माल लेके जा रहा हूँ, कौन सा गुलाबाद मोड़ ना कौन सा मोड़ बोला है जाने के लिए। चलो चलते हैं, बाहर निकलते हैं, बहुत भीड़ है, देखो बैक कैमरा से बहुत भीड़ है, देखो भीड़ देखो, यही होता है लास्ट उतरने में। चलो भाई स्टेशन से उतरते ही मेरे को टोटो मिल गया, 20 रुपये करके भाड़ा है, जहाँ मेरे को जाना है मैं बता दिया, वहीं पे उतर देगा मुझे बस। ये देखो बर्धमान सिटी तो पहली बार आ रहा हूँ बर्धमान सिटी में, अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है पूरा एकदम मेरा हावड़ा जैसा लग रहा है। देखो हर तरह दुकान स्टेशन में तो आया हूँ, बहुत बार स्टेशन में आया हूँ, बाइक लेके भी आया हूँ, लेकिन सिटी में पहली बार घुसा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है देख के यार। चलो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, लेकिन और 2-3 तो चीज बात है स्टेशन से उतर के मैं देखा वो चीज मैं टोटो से उतर के आप लोगों को बताता वो चीज क्या हुआ मेरे साथ। चलो आगे जाके देख बताते हैं आप लोग। चलो टोटो से तो मैं उतर गया, यही वाला हो रहा है मेरे को लग रहा है यार। चलो ये वाला माल दे देते उसके बाद बात करते हैं। तो फाइनली तो मैं अपने डेस्टिनेशन में आ चुका, यही वाला शादी में शायद देना है मुझे, तो इसको मैं दे देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को 2-4 चीज बता देता हूँ यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ। अभी मैं कटते बच गया, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक भाई मिला अभी पीछे में, वो यही शादी में इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था, वही मेरे को दिखा दिया कौन सा घर है नहीं है, थैंक यू भाई उसके लिए। अभी जाते वक्त उससे बात करते हुए जाऊंगा मैं। चलो ये मैं अभी दे रहा हूँ इनको, ये देख लो आप लोग, जैसे लेके आया था मैं वहाँ पे दिखाया था वैसा ही है। अरे कार्ड आज नीचे भालो करो धोरबे, तो जहाँ पे डिलीवरी था वहाँ पे दे दिया। ये भाई मुझे हेल्प किया, भाई क्या नाम है, कौशिक घोष, बहुत हेल्प किया मुझे, यही वाला शादी था, घर में देना था मुझे। चलो ठीक है, थैंक यू भाई। चलो अभी स्टेशन चलते, 5:50 में एक लोकल है, मैं सोच रहा हूँ लोकल में ही पकड़ के चला जाओ, नहीं तो फिर वही एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए मुझे फिर 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, वो 1 घंटे में मैं घर पहुंच जाऊंगा। हाँ जो चीज बात करना है आप लोगों से, देखो मैं जैसे ही बर्धमान स्टेशन से उतरा ना, जैसे ही बाहर आके मैं देखा बहुत आदमी ना ऐसे खड़ा हुआ है। मैं बोला ये मेरे को गुलाबबाद मोड़ जाना है, तो वो क्या हुआ ना, सबको बोला हाँ जाएगा 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 जाएगा, मेरे को फर्स्ट ही बोला कि 50 रुपये लगे, बोला नहीं 50 रुपये नहीं, जहाँ पे मेरे को जाना उनसे बात हुआ है, बोला 10 रुपये भाड़ा है, बोला नहीं आपको 20 रुपये लगेगा। तो मैं बोला नहीं ठीक है, मैं वहाँ पे बैठा, देखा कोई ये नहीं कर रहा, सब आसपास में देख रहा है, बोल रहा है 10 रुपये करके भाड़ा है, 10 रुपये करके भाड़ा है। तो मैं क्या किया, वहाँ से फिर निकल के फिर जो फ्लाईओवर के नीचे मैं आ गया, वहाँ पे मेरे को 10 रुपये का भाड़ा मिल गया। ये वाला यहाँ पे मैं उतरा, वहाँ से मैं अंदर में आ गया। चलो ठीक है, ये बहुत स्कैम हो रहा है यहाँ पे, मैं देख लिया जो। चलो ठीक है, मैं बता दिया आप लोगों को ऐसा स्कैम होता है, थोड़ा सा
पहले नजर देख लो कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद आप लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज ध्यान में रखना, जहाँ पे आपको बहुत सारा आदमी बुलाएगा ना तो वहाँ पे चीज गड़बड़ है, जहाँ पे आदमी नहीं बुलाएगा वहाँ पे आदमी ठीक है। तो ऐसे ही मैं कटते कटते बच गया। और एक तो चीज हुआ, रास्ता में मैं देखा नहीं, रास्ता में केक काट दिया, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया वहीं पे। चलो मैं स्टेशन जाता हूँ, देखता हूँ कौन सा ट्रेन पकड़ना नहीं पकड़ना है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो एक्सप्रेस ट्रेन पकड़े जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं। দাদা কত করে ভাড়া স্টেশনে? আর তারা আমাকে স্টেশনে ওখানে বলছিল যে 50 টাকা পাতো, ফার্স্টে বলছিল, তারপর বললো 10 টাকা 20 টাকা। আচ্ছা আমি এখানে এখানে আছি 10 টাকা ভাড়া, তো স্টেশনে ওখানে আমাকে বললো 20 টাকা, ফার্স্টে বললো 50 টাকা লাগবে, তারপর আমাকে এখন বললো যে 20 টাকা লাগবে। আমি যেই বাইরে বেরিয়ে নিলাম 10 টাকা করে ভাড়া নিল, 10 টাকা ভাড়া আছে না। আরে নতুন লোক ভাবলে কি মুরগি বানিয়ে দেবে নাকি? প্রথমে বললো 50, আবার বললো 20। চলো চাতে ইধার আয় গিয়া থোড়া সা মিহিদানা সীতাভোগ লেকে যাতে ঘর কে লিয়ে, তো ঘর মে মেনা মম্মি পাপা ভি বহুত পছন্দ করতা হ্যায়। চলো দেখতে হ্যায়। চলো ইহাঁ পে সীতাভোগ মে লে লিয়া, আচ্ছা টেস্ট হোতা হ্যায়। মে লাস্ট বার ইহাঁ সে লিয়া থা, এক বার ইয়াদ নেই হ্যায় কব, লেকিন লিয়া থা, এক ভাই বোলা থা লেনে কে লিয়ে, মে লিয়া থা। तो ये अच्छा टेस्ट है, मेरे को लग रहा है, देख के भी लग रहा है अच्छा टेस्ट है, मैं खाया भी था इनका, बहुत अच्छा टेस्ट है। चलो इसको लेके 5:50 पे मेरा ट्रेन है, मैं निकल जाऊंगा सोच रहा हूँ। चलो चलो, काका टेस्ट भी करा दिया, अच्छा टेस्ट है, चलो लेके जाते हैं स्टेशन। फाइनली मैं स्टेशन आ गया भाई, दौड़ दौड़ के। चलो ट्रेन में बैठ के बात करते हैं। अरे बाप रे बाप, ये देखो मैं ले लिया घर के लिए। चलो जो मिहिदाना सीताभोग लिया ना, ये बर्धमान का फेमस है मिहिदाना सीताभोग। यहाँ से बोला है रायगंज ना कौन सा जगह में है कि गणेश स्वीट्स वहाँ पे सबसे अच्छा मिलता है, लेकिन वहाँ पे मैं जा नहीं पाया क्योंकि ट्रेन था 5:50 पे। तो यहाँ से स्टेशन से, स्टेशन के सामने में एक दुकान था, वहाँ पहले मैं खाया था, वही दुकान से मैं ले लिया। अभी यहाँ पे देखो रखा हुआ है, तो घर जाते जाते ठीक है, घर में जाके रात में खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो ट्रेन छोड़ दिया, जय माता दी। तो और एक चीज मैं बता दूं, ये मैं पहले मैं आया मेन लाइन, अभी मैं जा रहा हूँ कोर्ट लाइन से, जो प्रीमियम ट्रेन सब जाता है ना, वंदे भारत हो गया, शताब्दी हो गया, राजधानी हो गया, वही लाइन से मैं अभी रिटर्न कर रहा हूँ हावड़ा। वही लाइन से रिटर्न करता है, शताब्दी, राजधानी, जितना भी प्रीमियम टाइप का ट्रेन हो गया सब वहीं से, मैक्सिमम ट्रेन वहीं से रिटर्न मतलब जाता है आता है। तो वो थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस पड़ता है, 8-10 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है। तो चलो ठीक है, अभी ये जल्दी पहुंच जाएगा, पहले तो 2.5 घंटा लगा, गैलोफिन बोल के तो गैलोफिन था ही नहीं, हर 2-3 तो स्टॉपेज में नहीं रुका, उसके बाद सब स्टॉपेज में रुका। अभी ये वाला वही रास्ता से मतलब दूसरा रास्ता से जाएगा, लेकिन इसका डिस्टेंस शॉर्ट है, मतलब 1/2 घंटा 20 मिनट करीबन कम पड़ता है, तो यही मैं ले लिया। चलो आगे दिखाते क्या आता है नहीं आता है। चलो ट्रेन छोड़ दिया, बाय बाय बर्धमान, फिर आएंगे, इधर तो आना ही पड़ता है। इस बार आएंगे, आपको दिखाएंगे ये शक्तिगढ़ का लैंगचा, कभी भी आएंगे संडे में प्लान बना के कभी भी आएंगे, दिखा देंगे, एक दो स्टॉपेज का तो आसपास में ही है, वो भी आके दिखा देंगे। देखो फिलहाल तो मैं बाली पहुंच गया, ये वाला जो है ना, ये वाला से मैं सवेरे गया था, वो हो गया मेन लाइन, और मैं अभी जो रूट से जा रहा हूँ वो हो गया कॉर्ड लाइन। कॉर्ड लाइन में थोड़ा सा मैं जैसे बोला ना, थोड़ा सा डिस्टेंस कम है 10 किलोमीटर के करीबन, वो हो गया मेन लाइन, ये हो गया कॉर्ड लाइन में जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा कम ट्रेन चलता है, एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा चलता है, जो प्रीमियम टाइप का ट्रेन है वो ज्यादा चलता है बोल के, इसमें थोड़ा सा कम ट्रेन है, उसमें सबसे ज्यादा ट्रेन है। आ ही गया, मैं आपको उतर के बता देता हूँ मेरे को कितना मिला था नहीं मिला था। और भी है, कल मैं जाऊंगा हरिपाल, तो देखते हैं। चलो आपको बता देते हैं उतर के कितना मैं लिया हूँ नहीं लिया हूँ। कि भेलू स्टेशन में तो पूरा एकदम दिन बना दिया यार, ऐसा पहले नहीं था। मैं वो 5 नंबर प्लेटफॉर्म से जाता था, वो बाइक लेके पैदल जाता था जब इधर आता था बहुत थोड़ा सा, तो ये वाला रास्ता से मैं जाता था, ये वाला प्लेटफॉर्म से बाइक पैदल लेके मैं जाता था। अभी तो पूरा चेंज कर दिया यार, पूरा दिन बना दिया एकदम। तो चलो उतर गया मैं, ये वाला ट्रेन था मेरा आज का सवारी। चलो चलते हैं, आप लोगों को बता देते हैं मैं कितना लिया नहीं लिया, देखो तो लाइट देख के मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ा अंधेरा है मैं बता देता हूँ। 2 बजे करीबन निकला, तो वहाँ से मेरा बर्धमान था 100 किलोमीटर, मैं उठा लिया ऑर्डर, तो वो ले लिया ऑर्डर। मैं बोला 1000 रुपये लगेगा, मैं तभी जाऊँगा अदरवाइज नहीं जाऊँगा, कस्टमर को फोन करके बोला कि 1000 रुपये लगेगा, तो बोला एग्री हो गया देने के लिए, तो मैं निकल गया। वो चीज़ का दाम था शायद 3000 रुपया, वो जो जिस चीज़ भेजा था वो चीज़ का शायद दाम था 3000 रुपया, मेरे को 1000 रुपया दिया, 4000 रुपया उसका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। चलो डबल बोनस मिल गया मुझे, सवेरे काम किया तो काम किया ही, और रात को भी काम किया वो भी हो गया, 1000 रुपया ठीक है, इतना कम टाइम में देखो कुछ खटनी भी नहीं हुआ, ट्रेन में बैठ के गए, ट्रेन में बैठ के आए, ठीक है, ऐसा आप लोग काम कर सकते।
तो लिलवा स्टेशन से मैं तो जा ही रहा था भैया मिले, आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम अमित है। अमित अमित हाँ ठीक है भैया, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आपका बोलने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग सब बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बस ऐसे ही प्यार करते रहे, बस बस हमारा प्यार आपके लिए हमेशा रहेगा। अरे भैया एक फोटो ले, चलो ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा, कल भी मैं हरिपाल जाऊंगा लेकिन कल वाला वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप लोगों को अच्छा वीडियो देना है। जो भी अगर मिलेगा मुझसे ये वाला वीडियो आप लोगों को सच में अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अच्छा नहीं होगा तो बोल दीजिएगा इस टाइप का वीडियो मैं दोबारा से नहीं बना। तो टाटा बाय बाय, लाइक शेयर कॉमेंट कर दीजिएगा, टाटा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और भी अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आ रहा है। खाली 14 तारीख मेरा जो अभी काम का टाइम है निकल जाए, 14 तारीख के बाद से तो अलग ही लेवल का कॉन्टेंट आएगा। टाटा।